दो बड़े एलिमेंट्स हैं, एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे नौ नौ एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें आप अगर ढंग से देखेंगे उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से, और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने आइटम नंबर वन राइट हैंड साइड में या आइटम नंबर टू राइट हैंड साइड में दूं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स होते ही सीधा हमारे परिवार पे, हमारे महीने के खर्चे पे फर्क पड़ता है। अगर हम देखें पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो सीधा उससे किसानों की इनकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसको आप केयरफुली देखें, ये बहुत बड़ा विस्तृत। अगर हम देखें पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो सीधा उससे किसानों की इनकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसको आप केयरफुली देखें, ये बहुत बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है और इसके बहुत सारे सब कंपोनेंट्स हैं। सब कंपोनेंट्स के ऊपर कुछ जो डिटेल्ड प्रोग्राम्स है वो आपके सामने ऑलरेडी पिछली कैबिनेट मीटिंग्स में आ चुके हैं, और बाकी बहुत सारे डिटेल्ड प्रोग्राम्स में या तो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स बनेंगे जो कि कैबिनेट में आएंगे, या फिर मंत्रालय के लेवल पे ही उनका अप्रूवल होगा। मान लीजिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका राजस्थान में इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से होगा, उड़ीसा में अलग तरीके से होगा, दोनों की जलवायु डिफरेंट है। महाराष्ट्र में इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से होगा, और महाराष्ट्र के भी दो हिस्सों में अलग अलग तरीके से होगा, कोस्टल एरिया में अलग तरीके से होगा और तो अलग तरीके से होगा, क्योंकि दोनों की जलवायु, दोनों की मिट्टी, वो सब अलग है। तो ये सोच के बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, वैसा इस पूरे आज के कैबिनेट अप्रूवल में आई है बात। और एक तरीके से जो किसानों से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकली किसानों की इनकम से जुड़े हुए प्रैक्टिकली जितने भी पॉइंट्स हैं, वो करीब करीब आज के इस बड़े प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए हैं। और ये प्रोग्राम 1,01,321 करोड़ रुपए का, 1,01,321 करोड़। इट्स अ वेरी बिग प्रोग्राम, इट हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स, मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एज सेपरेट स्कीम्स, एंड सम ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी डन बाय द मिनिस्ट्री एंड सम मोर विल कम इनटू द कैबिनेट फॉर कंप्लीट अप्रूवल। बट ओवरऑल दिस क्रिएट्स अ कंप्लीट पैकेज और अ कंप्लीट अम्ब्रेला और अ कंप्लीट बुके ऑफ स्कीम्स फॉर द फार्मर्स, फॉर इंक्रीजिंग देयर इनकम्स एंड फॉर मेकिंग श्योर दैट द मिडिल क्लास फैमिलीज, द फूड सिक्योरिटी फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज इज मेंटेन्ड। ये सारा एक बहुत बड़ा, इसमें आप इंडिविजुअल देखें तो सॉइल हेल्थ के बारे में, सॉइल की फर्टिलिटी, जो रेनफेड एरियाज है उसके डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारी ट्रेडिशनल किसानी का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, मैकेनाइजेशन के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन, हर तरीके से नई नई अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कोई राज्य लेके आना चाहे तो उसके लिए डीपीआर वो बना के लेके आए, मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट, मान लो केरला में पर्टिकुलर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहे केरला, तो उसका डीपीआर बना के लेके आए, आसाम में कोई अलग तरह का कोई नया इनोवेशन करना चाहे, डीपीआर लेके आए, इस स्कीम के अंडर उनका अप्रूवल हो जाता है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया है, बहुत बड़ा फोकस दिया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द एनडीए गवर्नमेंट हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द इंडियन लैंग्वेजेस। अपनी भाषा में हम गर्व करें और अपनी भाषा में एजुकेशन हो, अपनी भाषा में बातचीत में
डेली में लाएं, हर तरीके से अपनी भाषाओं को, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम, चाहे भोजपुरी, चाहे मैथिली, चाहे उड़िया, आसमीज, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोई भी भाषा हो, अपनी भाषा में हम गर्व करें एंड बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आर रिच हेरिटेज वाज, व्हाट आर कल्चर वाज एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट सेम, जो हमारे कल्चर की समृद्धि, उस कल्चर की समृद्धि को आज कैसे लाए। इस पे आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है। 5 लैंग्वेजेस, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमिटी, वेरी वेल रेड पीपल, बहुत जो डीपली नॉलेज रखते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, लिंग्विस्टिक्स के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है उसके बारे में। और क्लासिकल लैंग्वेज बनना मने बहुत बड़ी गौरव की बात है और इसके पीछे पूरी साइंस है। 1500 से 2000 साल तक का उस लैंग्वेज में लिटरेचर है, उस लैंग्वेज की एक कंटिन्यूटी है, लैंग्वेज के बहुत सारे पुराने टाइम के इंस्क्रिप्शंस हो, कई जगह स्टोन्स पे है, कई जगह पेपर पर है, कई जगह ताड़ पत्र पे है, कई जगह पे ओरल ट्रेडिशन से है, इन सब का ध्यान रख के जो एंशियंट बॉडी ऑफ लिटरेचर है और जो जनरेशन टू जनरेशन हेरिटेज हमारी पास ऑन होती आई है, उस हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए उन सब नॉलेज टेक्स्ट को, प्रोज टेक्स्ट को, कई जगह पोएम्स है, कई जगह एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फैसला है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, अभी तक हमारे पास जो नोटिफाइड क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया। ये लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस नोटिफाइड थी। ये नए प्रपोजल्स आए, नए प्रपोजल्स को इस फ्रेमवर्क में एग्जामिन किया गया और आगे भी जो प्रपोजल्स आएंगे इसी फ्रेमवर्क में एग्जामिन होंगे और जो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च, हिस्टोरिकल सब डेटा सब कलेक्ट करके फिर इसको ये दिया जाता है। रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस 2,029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। रेलवे में आज अगर एम्प्लॉयज की हम संख्या देखें तो कुल मिला के 13,14,992 एम्प्लॉयज हैं एज ऑन 31 मार्च 2024 का ये नंबर है और इसमें करीब 1,19,952 तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ज्वाइन किए और वो अगर आपको ध्यान होगा करीब 1,54,000 के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट किया गया था पिछले 2-2.5 वर्षों में, उसमें 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन थी और बिना कोई हैसल, बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई इधर कोई कंप्लेंट के बहुत ही स्मूथ तरीके से ये मैसिव एग्जाम कई सारे शहरों में, 500 से ज्यादा शहरों में करीब करीब 30-30 दिन तक एग्जाम चला था, 15 लैंग्वेजेस में, कई सारी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उसके कारण ये ज्वाइन किए थे। इसमें भी रेलवे के एम्प्लॉयज के साथ मिलके जो बना हुआ है फॉर्मूला, उसमें आउटपुट इनपुट यानी कितना आप इनपुट देते हो उससे कितना आउटपुट आ रहा है, मान लो कितने लोकोमोटिव लगाए तो कितना आगे पैसेंजर्स और कार्गो वो सिस्टम खींचता है, वैसे ही ऑपरेटिंग रेशियो यानी कॉस्ट कितनी है और आपकी रेवेन्यू कितना है, इन सब का ध्यान रखते हुए इन दोनों को 50-50% वेटेज दिया गया है। इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है लेकिन आज कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है इन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द गुड वर्क दैट रेलवे एम्प्लॉयज आर डूइंग।
अभी वैकेंसी 58,642 है जिसमें अभी रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है, और मैं ये नंबर इसलिए रखा क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार एक बहुत एक छोटा नंबर डाल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास चलता रहता है। कभी कोई 20,000 बोलता है, कोई 25,000, कोई किसी भी तरह का कोई एक गलत नंबर डाल दो और फिर बाद में उसको गलत को आगे प्रसारित कर दो, इस तरह की उनका प्रयास चल रहा है, इसलिए ये नंबर आपके सामने रखा। एज ऑन टुडे दिस नंबर इज 58,642 वैकेंसीज पे आज की तारीख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, और एनुअल कैलेंडर से चल रहा है जो कि 50-60 साल से नहीं हो पाया था, वो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया। रेलवे के लिए एनुअल कैलेंडर बनाया जिसमें जनवरी से मार्च के क्वार्टर में एक प्रकार का एक कैटेगरी का रिक्रूटमेंट, अप्रैल से जून के क्वार्टर में दूसरा, जुलाई से अक्टूबर में, जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में तीसरा, और अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में चौथे कैटेगरी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हुआ।